फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय अगर आवाज़ फ़ोन से नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल के समय अगर आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आती ना, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समय डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज फोन से नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सिस्टम आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।